हेलो गाइस, आई एम अरविंद एंड वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में आज हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा, और उस आउटपुट को हम लोग बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस फर्स्ट एग्जांपल है 18 × 25। तो गाइस हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो डिजिट होगी, जैसे इस केस में 18 है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो इस केस में हमारा आंसर होगा वो 4.5 होगा। और सेकंड स्टेप में तब हमें इस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो हमारा आंसर होगा 450। सो गाइज आपको समझ में आया होगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमें उस नंबर को 4 से डिवाइड करना होगा, और जो भी आउटपुट आएगा फर्स्ट स्टेप का, हमें सेकंड स्टेप में उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गाइज नेक्स्ट एग्जांपल है 120 × 25। सो गाइज हम लोगों को क्या करना है कि 120 को डिवाइड करना है 4 से, तो हमारा आंसर होगा 30, और सेकेंड स्टेप में हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर होगा 3000। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल है 236 × 25। तो गाइज हमें 236 को 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर होगा 59, और फिर हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर होगा 5900। तो गाइज चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल है 289 × 25। तो गाइज हम लोगों को 289 को 4 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा आंसर होगा 72.25, और फिर हमें सेकंड स्टेप में इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमारा आंसर होगा 7225। तो चलिए गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गाइज नेक्स्ट एग्जांपल है 1364 × 25। तो गाइज फर्स्ट स्टेप में हमें इस नंबर को 4 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 341 होगा, और फिर हमें सेकंड स्टेप में 341 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34100। सो गाइज आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट इन केस यू लाइक इट, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो।